हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V29e एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की जो है ना नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती है ना, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है, ये मैं फोकस कर देता हूं इसे, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये तीन सेटिंग दिखाई दे रही है, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग रहती है, ठीक है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलता है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। आपको नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना ये है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला जो पावर बटन होता है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा, ठीक है, इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन का आपको सिस्टम चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू कर लीजिए, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे की साइड आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। तो सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके फोन के सिस्टम फोन का जो सिस्टम है अपडेट हो जाएगा और आपके फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और प्रोसेस करना है कि आपको अपने फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है। APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको APN का पेज मिलेगा। APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये थ्री डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक पेज ओपन होगा, रीसेट टू डिफॉल्ट लिखा होगा इसमें, इस पे टैप करना है तो नीचे साइड लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। तो आप APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे, आपके मोबाइल फोन के नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिया, सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके फोन की जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।